आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विनोद जूनियर। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आगरा में जूता और पेठा उद्योग सहित 18 तरह की इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये सभी इंडस्ट्री बदहाली के कगार पर पहुंच गई हैं। लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। अनलॉक वन में कैसा है आगरा की जूता इंडस्ट्री और पेठा उद्योग का हाल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। कोरोना काल में कोविड-19 से देश के लोगों को बचाने के लिए पीएम मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, उसके बाद 23 मार्च से देश भर को 70 दिनों तक लॉकडाउन रखा। इस लॉकडाउन से कॉस्मेटिक व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को और ट्रेडर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई होने में लंबा समय लगेगा। कोविड-19 से देश के लोगों को बचाने के लिए पीएम मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू किया, उसके बाद 23 मार्च से देश भर को 70 दिनों तक लॉकडाउन रखा। इस लॉकडाउन से कॉस्मेटिक व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को और ट्रेडर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई होने में लंबा समय लगेगा। कॉस्मेटिक व्यवसायी एवं आगरा डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गीत चुग ने बताया कि कॉस्मेटिक व्यवसाय आवश्यक सेवाओं में नहीं आता है, इसके चलते इस व्यवसाय को काफी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन में शहर के सैलून और ब्यूटी पार्लर बंद रहने से इस व्यवसाय को करने वाले व्यापारियों के सामने काफी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हमारे जितने भी यहाँ के एसोसिएशन से हमारे जो कार्यकर्ता और जो भी पदाधिकारी और जो भी हमारी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अधिकतर जो हैं वो कॉस्मेटिक क्षेत्र के हैं, उनके पास कॉस्मेटिक का व्यवसाय है और इस समय कॉस्मेटिक जो है ज़रूरत का सामान में नहीं आता है, तो इस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा कोरोना की जो है महामारी की जो है मार पड़ी है। आगरा डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गीत चुग ने बताया कि इस एसोसिएशन में 80 से अधिक कॉस्मेटिक व्यापारी जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन में हर व्यापारी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गीत चुग ने केंद्र और प्रदेश सरकार से इस व्यापार को नुकसान से उभारने के लिए बैंकों से सस्ते लोन दिलाने की मांग की है, इससे व्यापार के नुकसान को कुछ कम किया जा सके। 3 महीने में जो नुकसान हुआ है वो तो लगभग पूर्णतः नुकसान गया ही है। उसमें व्यापार के पूरे खर्चे जितने भी हैं वो चलते ही रहे, किराया चलता रहा है, बिजली भी हमारी चलती रही है, टेलीफोन के बिल भी चलते रहे हैं, तो वो तो सारा कुछ चलता ही रहा है, लेकिन हमें कमाई जो है वो बिल्कुल नील रही है। करीब ये समझिए कि मैं समझता हूँ हमारा जो कॉस्मेटिक अगर एक आदमी जैसे साल में 12 करोड़ का व्यापार करता था, अब वो इस साल के इस माह के 4 करोड़ का नुकसान तो कर ही चुका है और बाकी भी जो उम्मीद है कि वो तीन से चार करोड़ पर भी नहीं कर पाएगा पूरे साल का काम जो आदमी करता था। कॉस्मेटिक व्यवसाय से ताजनगरी में हजारों लोग जुड़े हैं। लॉकडाउन के दौरान मंदी का शिकार हुए इस उद्योग से छोटे व्यापारियों के सामने अपने स्टाफ को सैलरी देने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना वायरस का प्रकोप जल्द समाप्त नहीं होगा, जिससे व्यापार काफी स्लो चलेगा। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते 70 दिन लॉकडाउन रही ताजनगरी के हौजरी उद्योग को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हौजरी व्यापारियों ने इस नॉन पॉल्यूटेड उद्योग के लिए कुछ आर्थिक पैकेज देने की मांग की है, इससे इस उद्योग को राहत मिल सके। कोरोना वायरस के चलते 70 दिन लॉकडाउन रही ताजनगरी के हौजरी उद्योग को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हौजरी व्यवसाय एसोसिएशन के संरक्षक एवं राष्ट्रीय व्यापार पार्टी के अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि हौजरी व्यापार नॉन पॉल्यूटेड उद्योग की श्रेणी में आता है। लॉकडाउन में इस उद्योग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार के इस उद्योग को राहत देने के लिए कुछ विशेष आर्थिक पैकेज देना चाहिए। के आगरा के अंदर एक हौजरी की इंडस्ट्री जिसको कभी कोई नाम नहीं लेता है, आगरे का नाम या तो जूते के बारे में बोला जाता है या ददूजी के बारे में बोला जाता है या टूरिस्ट इंडस्ट्री के नाम पर बोला जाता है,
लेकिन हौजरी के नाम पर नहीं बोला जाता, जबकि यहाँ पर हौजरी का बिजनेस काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग काम काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ 100-150-200 यूनिट का छोटी छोटी यूनिट हैं जो कि यहाँ पर काम दे रही हैं और अपना पूरा योगदान पूरे देश के GDP बढ़ाने में अपना योगदान भी दे रही हैं। मैं समझता हूँ आगरा के अंदर कम से कम इस समय 200 करोड़ का व्यापार साल में हम लोग कम से कम हमारा इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है लगभग। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नॉन पोल्यूटेड है, इसमें कहीं कोई पोल्यूशन वाली जगह नहीं है, क्योंकि ये केवल कपड़े को काटना है और उसको स्टिचिंग कराना है और गृह उद्योग है। अहमदाबाद नई दिल्ली के बाद ताजनगरी में हौजरी उद्योग अपनी एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। लॉकडाउन में इस उद्योग से जुड़े लोग काफी परेशान हैं। बाजार से व्यापारियों को अभी नए ऑर्डर नहीं मिल रहे, वहीं गर्मियों के लिए बना माल फैक्ट्रियों में फंसा हुआ है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। कि इस आगरे को भी एक हब के रूप में विकसित किया जाए, इसके लिए लोगों को सुविधाएं दी जाएं, यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर सिस्टम शुरू किया जाए उसके लिए ट्रेनिंग शुरू किया, तो मैं समझता हूँ हौजरी का उद्योग काफ़ी आगे बढ़ सकता है और ये आगरा के लिए मुफीद भी है। TTZ जोन में होने के कारण यहाँ पर कोई काम ऐसा ही चल सकता है इसमें कि कोई प्रदूषण न हो। ये हौजरी काम एक ऐसा काम है जिसमें कोई प्रदूषण की कोई गुंजाइश नहीं है। हौजरी उद्योग ताजनगरी में धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। अगर सरकार इस उद्योग को कुछ आर्थिक पैकेज दे दे तो ताजनगरी के काफी बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सकती है। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते 23 मार्च से 31 मई तक लॉक रहे ताजनगरी के छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। शहर में अपनी अलग पहचान रखने वाले जौहरी बाजार के दुकानदारों के अनुसार लॉकडाउन हटने के बाद जिला प्रशासन ने शहर में सम विषम आधार पर दुकान खोलने का आदेश किया, इससे दुकानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोरोना वायरस के चलते 23 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन रहा। ताजनगरी के छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शहर में अपनी अलग पहचान रखने वाले जौहरी बाजार के दुकानदारों के अनुसार लॉकडाउन हटने के बाद जिला प्रशासन ने शहर में सम विषम आधार पर दुकानें खोलने का आदेश किया है, इससे दुकानदारों को कोई फायदा नहीं हो रहा। जौहरी बाजार में बॉम्बे पर्स के नाम से प्रतिष्ठान चलाने वाले महेश लखवानी ने बताया कि 1 जून से लॉकडाउन हटने के बाद से जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस से ग्राहकों और दुकानदारों को बचाने के लिए सप्ताह में 3 दिन एक साइड की दुकान और 3 दिन दूसरे साइड की दुकान खोलने का आदेश किया है। इस आदेश से ग्राहक असमंजस की स्थिति में पड़े हैं। व्यापारी को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि 70 दिन से पूरा व्यापार बंद था, गुट ठप का। प्रशासन ने 3 तारीख से अनुमति दी वही वन साइड बाजार खोलने की, इससे बाजार में भीड़ हो रही है। अगर ये दोनों साइड बाजार खुल जाए तो इससे भीड़ नहीं होगी और पूरा इसमें पूरा बाजार खुलना चाहिए और टाइम थोड़ा प्रशासन ने कम दिया है। ग्राहकों में असमंजस की स्थिति है, बहुत इसी में डाउट होता है कि कौन सा बाजार किस टाइप खुलेगा, वन साइड खुलता है वन साइड नहीं खुलता, इसी चक्कर में ग्राहक कन्फ्यूजन होता है। इसी चक्कर में मार्केट ज़्यादा भीड़ निकल रही है। अगर दोनों तरफ बाजार खुलेगा तो मार्केट भीड़ निकलेगी। मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि दोनों तरफ बाजार खुलाना चाहिए तो इससे बाजार में ग्राहक बढ़ जाएगा। जौहरी बाजार में पंजाब बूट के नाम से प्रतिष्ठान चलाने वाले दुकानदार विनय कालरा ने बताया कि प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि सप्ताह में 6 दिन पूरा बाजार खुले, जिससे उनका जो नुकसान लॉकडाउन के वक्त हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सके। व्यापारी शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क लगाने और सैनिटाइजर करने की अपील कर रहे हैं। व्यापारी को तो बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि एक तरफ खुलने से और एक तरफ बंद होने से गांव का जो व्यापारी आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, उसकी वजह से वो बहुत परेशान है, आम पब्लिक परेशान है। अगर ये पूरा मार्केट खुल जाता तो थोड़ी सी 3 महीने की जो लोगों को बंद थे वो आज उनको राहत मिल जाती थोड़ी सी, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी नुकसान मिला है। 3 महीने लॉकडाउन में कितना, 2 महीने काफ़ी नुकसान हुआ है। हर आदमी को नुकसान हुआ है, हर पब्लिक को, हर व्यक्ति को नुकसान है। इसमें जो कहने के लिए असंभव है हर बात के लिए। शहर में जौहरी बाजार, रावतपाड़ा, सिंधी बाजार, फुव्वारा घने बाजारों में शुमार बाजार हैं। यहां ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग कराने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट जाते हैं। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। कोविड-19 के चलते पिछले 70 दिनों से लॉकडाउन रहा। इस लॉकडाउन ने ताजनगरी के शिव उद्यमियों और व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी। साल में लगभग 800 करोड़ के घरेलू जूता व्यवसाय को 200 करोड़ रुपए का नुकसान लॉकडाउन के दौरान हुआ है।
कोविड 19 के चलते पिछले 70 दिनों से देश भर में लॉकडाउन रहा। इस लॉकडाउन ने ताज नगरी के शू उद्यमियों और व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी। साल में लगभग 800 करोड़ के घरेलू जूता व्यवसाय को 200 करोड़ रुपए का नुकसान लॉकडाउन के दौरान हुआ है। हिंग की मंडी में बड़े शू ट्रेडर्स धर्मपाल कश्यप ने बताया कि इसके चलते शहर के जूता कारोबारियों ने ट्रेडर्स से अच्छा खासा माल तैयार करके जमा किया था, पर लॉकडाउन के चलते ईद पर बाजार बंद रहा। इसके चलते शू कारोबारियों के सामने काफी परेशानी खड़ी हो गई। जो माल विभिन्न शहरों में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजा था वो रास्ते में फंस गया, वहीं बाजार में ऊपर से पैसों का लेन देन ठप पड़ गया। वहीं लॉकडाउन लगने से या कोरोना बीमारी फैलने से सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि जो मेन आखा तीज का त्यौहार था उसपे बहुत अच्छी यहाँ पे आगरा में सेल निकलती है। नंबर टू जो ईद का त्यौहार था उस पर बहुत अच्छी इंडिया में सेल निकलती है, पूरे हिंदुस्तान में। तो वो सब लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में कोई भी ग्राहक आगरा जो है परचेजिंग करने नहीं आया, तो इसलिए आगरा के ट्रेड को जितने भी लोगों ने स्टॉक कर रखे थे सब एक तरह से डेड हो गए। और अभी भी 4 या 5 दिन हुए हैं ढंग से दुकान पे आए हैं, देखा जाए तो आज 5वां दिन है कि हम दुकान पे आए हैं जब से लॉकडाउन खुला है। उसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सेल नहीं है, 1 रुपए की भी कोई दुकानदारी नहीं है। हिंग की मंडी में शूज ट्रेडर्स धर्मपाल कश्यप ने बताया कि 1 जून से जिला प्रशासन ने ताजनगरी से लॉकडाउन हटा लिया है। इसके बाद से रोस्टर के हिसाब से शमिशम आधार पर दुकानें और शोरूम खुल रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों को सप्ताह में 3 दिन अपने प्रतिष्ठान खोलने का मौका मिल रहा है। उस पर जिला प्रशासन ने समय दिन में 6 घंटे रखा है, इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। वहीं प्रतिष्ठान खुलने के साथ ही श्रमिकों की तनख्वाह और रोज के खर्चों के साथ बिजली के बिलों का भी बोझ व्यापारी पर आ गया है। अगर कुछ दिन खुला भी है तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं सिवाय नुकसान के। ट्रांसपोर्ट 1 दिन खुलती है 1 दिन बंद होती है। हमने आज खोली है, हमने आज माल भेजा तो ट्रांसपोर्ट बंद है। तो अच्छा माल उस ट्रांसपोर्ट वाले को जब तक पूरी गाड़ी का माल नहीं मिलता तब तक व्यापारी के पास माल नहीं पहुँचता है। आगे बरसात का कारोबार है नहीं। अब जो त्यौहार आएगा दशहरे का, अब उसमें कहाँ तक सही हो पाता है बाज़ार, कैसे हो पाता है, त्यौहार चलेगा नहीं चलेगा, लोगों के पास खाने के पैसे हैं कि नहीं है, उसके लिए फिर पहनने के लिए तो बात की बात है। सरकार ने क्या कराया ये तो सरकार को ही मालूम है, आदमी के जेब में पैसे तो पहुंचे नहीं हैं। हम लोगों के 3 महीने 2.5 महीने दुकानें बंद रही हैं, उनके बिजली के बिल भी माफ़ नहीं हो रहे हैं, तो सरकार ने क्या कराया तो सरकार को मालूम है। महीन की मंडी के सर्फ कॉम्प्लेक्स में शू ट्रेडिंग का काम करने वाले शू व्यापारी आत्मनाम ने कहा कि पीएम मोदी ने उद्योग और व्यापार जगत को मंदी से उबरने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जो हवा हवाई साबित हुई। इस पैकेज में ताज नगरी के घरेलू जूता उद्योग को कुछ नहीं मिला। वहीं बाजार को नॉर्मल होने में 1 साल से अधिक समय लग सकता है, जिससे नुकसान और अधिक होगा। अब देखना ये होगा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ताज नगरी के परंपरागत जूता उद्योग को उभारने के लिए क्या नए कदम उठाते हैं। बहरहाल इन हालातों में ताज नगरी में सैकड़ों की संख्या में छोटे जूता फैक्ट्रियों में मंदी के चलते तालाबंदी की नौबत आ गई है। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। नूरी दरवाजा MM गेट में 8 जून से पेठा नमकीन की दुकान खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई, लेकिन ग्राहक न आने के कारण व्यापारी और दुकानदार अपने प्रतिष्ठान नहीं खोल रहे हैं। नूरी दरवाजा पर बंदी जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन 5 और लॉक 1 में 8 जून से नूरी दरवाजा में पेठा नमकीन की दुकान खोलने की अनुमति भले ही मिल गई हो, लेकिन संक्रमण के चलते ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिससे बड़े व्यापारियों के साथ साथ छोटे दुकानदार भी दुकान नहीं खोल रहे हैं। देखिए ग्राहक तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, और जो ग्राहक शायद लॉकडाउन से पहले था और काफ़ी अच्छा व्यापार चल रहा था, एक तो खुद ग्राहक भी डर रहे हैं, कारीगर भी नहीं है, टाइमिंग हम लोगों की गलत हो गई है, तो ये तीनों चीज़ मिलके हम लोगों को बिल्कुल हम लोग धरातल पर आ गए हैं, शून्य पर आ गए हैं। भाई एक तो संक्रमण इस टाइप का है जो दिखाई तो देता नहीं है, और जिस हिसाब से हमारे आगरे की स्थिति है वो बहुत दयनीय है, और हम लोग जब रोज़ पेपर पढ़ते हैं रोज़ नए नए के केस निकल कर आते हैं, कभी 9 कभी 10 कभी 15-17, तो उस हिसाब से ग्राहक भी डरता है। नूरी दरवाजा में कुछ पेठा दालमोड की दुकानों को छोड़कर पूरा बाजार बंद है। शुरुआत के दिनों में दुकान खोली गई, लेकिन ग्राहक न आने के कारण अब दुकान नहीं खोली जा रही है, जिससे नूरी दरवाजा में सन्नाटा पसरा हुआ है। बिक्री पहले से बहुत डाउन है, बिल्कुल बिक्री हो ही नहीं रही। 10 से 5 बजे टाइम है, टाइम टेबल खराब है बिल्कुल। पहले से टाइम से हमारे यहाँ सुबह सुबह की बिक्री होती है, और अब टाइम टेबल हो गया 10 बजे से 5 बजे तक, तो ये ग्राहक कोई आ ही नहीं रहे अभी। पेठा नमकीन का यहाँ ज़्यादा कारोबार है, तो ग्राहक नहीं आ रहे क्या? ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, वो डर डर के आ रहे हैं इसको बीमारी की वजह से।
नूरी दरवाजा पर लाइसेंस धारक करीब 80 पेठे की दुकानें हैं, लेकिन बिना लाइसेंस के 200 दुकानों पर पेठा बेचा जाता है। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन में ताजमहल, लाल किला के साथ साथ अन्य स्मारक बंद होने के कारण पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं, जिससे पेठा की बिक्री नहीं हो पा रही है। पेठा उद्योग पर्यटकों से जुड़ा हुआ व्यापार है, बाहर से पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं, जिससे पेठे की बिक्री भी नहीं हो रही है। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा। 22 मार्च से लगे लॉकडाउन से पेठा व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन में पेठा उद्योग बंद होने पर घर बैठकर कर्मचारी और लेबर को वेतन देना पड़ा है। इस लॉकडाउन में लंबे समय तक दुकान बंद रहने से काफी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन में लंबे समय तक दुकान बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कारोबार बंद रहने के बावजूद भी कर्मचारियों को आधे से अधिक वेतन का भुगतान किया गया है। नूरी दरवाजा में एक कारोबारी का साल भर का करोड़ों का टर्नओवर रहता है। लॉकडाउन में प्रतिष्ठान बंद रहने से एक व्यापारी का बिक्री न होने पर 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नूरी दरवाजा पर ऐसे काफी व्यापारी हैं जिन्हें लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ी है। अभी कारोबार तो कुछ नहीं चल रहा है, कहीं अभी ऑनलाइन ऑर्डर हमारे सारे बंद हो गए हैं, कहीं अभी मुंबई में हमारे सारे ऑर्डर मुंबई से आते थे ज़्यादा, और मुंबई में केस ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसलिए सारे ऑर्डर मुंबई के कैंसिल हो गए हैं। और अभी पिछले तीन महीने से सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। अभी कोरियर सर्विस 1-2 दिन में चालू हुई है, अभी हम फिलहाल थोड़े थोड़े ऑर्डर निकालेंगे जो इनकी लाइफ ज़्यादा है, सेल्फ लाइफ ज़्यादा है। जैसे जो हमारा टिन पेटा आता है 1 साल की लाइफ है उसकी, तो हम वो वाले ऑर्डर पहले निकालेंगे। कितना घाटा हुआ है? हमें लाखों का घाटा हो चुका है इसमें, सिर्फ ऑनलाइन की बता रहा हूँ। कच्चा माल भी बहुत नुकसान हुआ है। अनलॉक वन में 8 जून को पेठा बाजार खोलने की अनुमति दी गई। शुरुआत में राइट लेफ्ट साइड दुकान खोलने के आदेश दिए गए, लेकिन बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ जगहों पर दोनों तरफ की दुकानों को खोलने का फरमान जारी कर दिया। व्यापारियों ने दुकान खोली, लेकिन कोरोना संक्रमण के डर से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिससे अब प्रतिष्ठान नहीं खोले जा रहे हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा। लॉकडाउन से पूर्व ऑनलाइन के साथ लोकल फ्रेंचाइजी के ऑर्डर बुक करने के बाद पेठा बनाया गया, लेकिन लॉकडाउन के चलते पेठा सप्लाई नहीं हो सका। इस कारण तैयार किया गया लाखों का पेठा फेंकना पड़ गया। लॉकडाउन से पूर्व नूरी दरवाजे की पेठा व्यापारियों ने ऑनलाइन के साथ लोकल फ्रेंचाइजी का ऑर्डर बुक कर लिया था। इसके बाद पेठा बनकर तैयार हो गया। पेठा नमकीन सप्लाई होने वाला था कि अचानक लॉकडाउन लग गया। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन लगने से पेठा खराब हो गया, जिसे फेंकना पड़ा। एकदम अचानक लॉकडाउन लगने से जो बने हुए माल रखे थे उनमें काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि लॉकडाउन लग गया वो सारा फिर हमको सब फ्री बांटना पड़ा। हमने वो इसलिए फ्री बांटा कि वो कोई ग्राहक तो आएगा नहीं, तो कम से कम बांटने से उसको ख़राब होने से तो बचा जा सके। हालांकि उसमें हमारा लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, और अब ये लॉकडाउन खुला भी है तो इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मगर हमारे जो स्टाफ के खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और स्थिति भी ख़राब है, समय भी कम है। 10 से 5 खुलता है अब, खैर 8 बजे तक कर दिया गया है, तो अब इतनी गर्मी भी पड़ रही है, इतनी गर्मी में लोग निकल नहीं रहे हैं, और जो बहुत ज़रूरत की सामान है उन्हीं को पे खरीदने का फोकस है। व्यापारियों का ये भी कहना है कि लॉकडाउन से पूर्व बनाया गया लाखों का पेठा फेंकने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ऑनलाइन बुक किया गया पेठा धीरे धीरे भेजा जा रहा है। इसके साथ ही लोकल फ्रेंचाइजी के ऑर्डर पर पेठे की ऑनलाइन सप्लाई की जा रही है। नहीं, लोग संक्रमित हैं, बाहर का सामान खरीदने से ही परहेज कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपनी शॉप पे सैनिटाइजर है, मास्क है, सब लगा करके पूरे नियम का पालन कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये लोग इस बात का भी डाउट लगा हुआ है कि कहीं दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, तो इसलिए आदमी ज़रूरत का ही सामान निकल ले रहे हैं और ज़रूरत के हिसाब से ही निकल रहे हैं। अब चूँकि ये पेठा उद्योग पूरा ताजमहल और लाल किले और सब चीज़ों से, टूरिस्टों से जुड़ा हुआ है, जब अभी लगता नहीं कि कोई पंख लगेंगे इस पेठा व्यवसाय को। हमारी सरकार से भी गुहार है कि पेठा इंडस्ट्रीज के लिए कुछ न कुछ सहयोग किया जाए। शहर के साथ साथ गैर जिलों के लोग ऑनलाइन पेठा मंगाते हैं। ऑनलाइन पेठा मंगाने के लिए व्यापारी या दुकानदार के बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है। इस कारण लॉकडाउन से पूर्व बुक कराया गया ऑनलाइन पेठा भेजा जा रहा है। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा। लॉकडाउन के लंबे समय बाद 8 जून को नूरी दरवाजा पर पेठे की दुकानें खोली गईं। इस दौरान चोरी छिपे गलियों में पेठा बनाया जा रहा है। बड़े व्यापारी शहर से बाहर कारखानों में सीमित पेठा बनाकर दुकानों पर मंगा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजार खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन पेठा खराब होने के कारण दुकानदार दुकान नहीं खोल रहे हैं।
नूरी दरवाजा पर अनलॉक वन में पेठा नमकीन की दुकान खोलने की अनुमति भले ही दे दी गई है, लेकिन व्यापारी कम ही पेठा तैयार करा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कुछ लोग बाहर अपने कारखाने में सीमित पेठा तैयार करा रहे हैं तो कुछ नूरी दरवाजे में चोरी छुपे पेठा बना रहे हैं। पेठा की बिक्री कम होने के कारण पेठा कम तैयार किया जा रहा है। पेठा गर्मी में अधिक समय तक नहीं चल पाता है। इसी तरह गिलोरी भी नहीं बनाई जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि शादी विवाह न होने के कारण गिलोरी को ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। दुकान इसलिए सेल नहीं है, इसलिए लोग दुकानें नहीं खोल रहे हैं। अब हमारे यहाँ हैं 3-4-5 जने काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक है ही नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। हाँ, ऐसे रहता है जैसे बंद ही चल रही है, ऐसे काम है। पेठा तैयार होने के बाद 15 दिन तक ठीक रहता है, इसके बाद खराब होने पर फेंकना पड़ता है। इसी वजह से सीमित पेठा बनाया जा रहा है। गिलोरी भी गर्मी में 2-3 दिन ही चल पाती है, जिससे दुकानदार गिलोरी नहीं बना रहे हैं। इसके वजह से दुकानदार हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा। तभी आपने देखा हमारे इस खास रिपोर्ट में कोरोना काल में सिसक रहा व्यापार, खास पेशकश। फिलहाल आज दीजिए इजाजत, कल हमारी आपके फिर नई खबरों के साथ और नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।